हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम सम ऑफ एरे का प्रोग्राम करेंगे, मतलब एरे के थ्रू हम सम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या इनपुट करेंगे और हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो इनपुट अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं तो इन सभी डिजिट्स का हमें सम प्रिंट होना चाहिए हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इंट नाम के डेटा टाइप के अंदर हमको एक एरे बनाना होगा। अगर हमें एरे के थ्रू करना है तो हमें एक एरे बनाना होगा और उसकी हमको साइज डिक्लेयर कर दी हमने 5, कि हमको इसके अंदर 5 एलिमेंट ही इनपुट कराने हैं। आप अगर चाहते हो कि मुझे 10 चाहिए तो आप यहाँ साइज के अंदर 10 करा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब आप सोच रहे हो कि 0 से इनिशियलाइज क्यों, कि अगर आप 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करते हो तो वापस कोई इस वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम लूप चलाना होगा हमें। तो हम आई ले लेते हैं, लूप के थ्रू ही हम मल्टीपल वैल्यूज इनपुट में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और एंटर एनी नंबर ये मैसेज पास करेंगे, जो कि हमारे यूजर से इनपुट लेने से पहले ही आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाना चाहिए। ये मैसेज हमने ये दिया है जो कि हमारे यूजर से इनपुट लेने से पहले ही प्रिंट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया और फिर यहाँ पे हम लूप चलाएंगे कि आई की जो वैल्यू है उसको हम 0 रख रहे हैं। आई को हमने 0 से इनिशलाइज किया है और फिर आई जो लेस देन इक्वल 4, हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए इनपुट में करवाना है हमको, उसके लिए हमको इक्वल 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 5 हमें एलिमेंट्स इनपुट में करवा देगा और फिर आई प्लस प्लस कर दिए। अब आप सोच रहे हो कि आई को इनिशलाइज क्यों किया 0 से, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने इसको 0 से इनिशलाइज किया है, ठीक है। अब एक बार लूप जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए चलता है। स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो %d, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, तो %d ले लिया और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके a of i को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया। अब ऐसा क्यों करवाया, हमारी जो i की वैल्यू है 0 है और a, अगर हम i की वैल्यू यहाँ 0 है, इंडेक्सिंग 0 पर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो वो 0 इंडेक्सिंग पर स्टोर हो जाएगी। फिर जैसे ही i का इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 0 से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगी, और फिर 1 हमारी i की इंडेक्सिंग जो होगी 1 होगी, फिर 1 के ऊपर जो भी आप वैल्यू इनपुट करवाओगे वो वहां जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये हमें i जो है ये हमें इंडेक्सिंग बता रहा है, और ये जब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि आई लेस देन इक्वल 4, जब तक कि वो इक्वल 4 के नहीं हो जाएगी उसकी इंडेक्सिंग, जब तक आप उसके अंदर वैल्यू इनपुट कर सकते हो। तो ये वर्क हमारा लूप के थ्रू किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया, अब हमको क्या करना है कि हमको एक और लूप चलाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लूप एक और चलाएंगे, क्योंकि हमको अब प्रिंट भी करवाना है सम। एज इट इज वापस ये था, यही लूप चलेगा लेस देन इक्वल 4 और i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम हमारा लॉजिक पार्ट देंगे कि भाई सम, हमने सम नाम का वेरिएबल लिया था, तो अगर सम इक्वल सम, सम जो है वो सम प्लस a ऑफ i, ठीक है। हमने सम क्या है हमारा, सम के अंदर हमारे 0 है, 0 प्लस a, एरे की i यानी कि एरे ऑफ i के अंदर जितने भी वैल्यूज होगी उसका सम होके आएगा, हमारे सम नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सम में तो क्या है, 0 है और a ऑफ i, i की इनिशियलाइज हमारा इंडेक्सिंग वैल्यू है जैसे कि 0, तो 0 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो जाके हमारे सम में स्टोर हो जाएगी, यानी कि 0 से 0 में ऐड होगी, और जो भी उसकी ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी हमारे सम नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि वो i लेस देन इक्वल 4 नहीं हो जाता, जब तक का वो सम करके हमें देगा, ठीक है। ये हमने दे दिया, अब यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके लूप के बाहर प्रिंट करवाएंगे सम। क्यों बाहर क्यों करवा रहे हैं, बाहर हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें सम जो है वो एक बार ही प्रिंट होना चाहिए हमारा। अगर हम लूप के अंदर इसका यूज करते तो मल्टीपल, जैसे हमारा लूप 4-5 टाइम चल रहा है तो वैसा ही वो प्रिंट अप भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होता, तो इसलिए हम इसको बाहर लेंगे ताकि हमें एक बार ही हमें रिजल्ट प्रिंट हो जाए हमारा। तो यहाँ पे हम सम इक्वल सम ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हो आप, सम ऑफ एरे नंबर, ठीक है, ये मैसेज दे दो और इक्वल %d, और वो जाके स्टोर हो जाएगा हमारे सम नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है।
और फिर यहाँ पे हमने ये दे दिया और देन इस फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम को यही क्लोज करके अब इसको हम एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, तो अब हमें नंबर पूछ रहा है एंटर करने को, तो हम डालते हैं 1, एंटर 2, 3, 4, 5। सम ऑफ एरे नंबर 15 प्रिंट हो चुका है। इस तरह से आप नंबर का सम निकाल सकते हो किसी भी नंबर का।